हेलो एस्पेंस, नॉलेज विला कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। फ्रेंड्स, जब भी किसी देश में आम चुनाव होते हैं, उस देश का मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उस देश के मतदाताओं के वैचारिक रुझान को प्रस्तुत करता है कि वे किस पार्टी को वोट देने जा रहे हैं या उन्होंने वोट दिया है, किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है या बनेगी आदि आदि, किन मुद्दों पर वोट दिया है इत्यादि। जब चुनाव के पहले मतदाताओं के रुझान को जाना जाता है तो इसे ओपिनियन पोल कहते हैं, और जब चुनाव होने के बाद मतदाताओं के रुझान को जाना जाता है, उनके विचारों को जाना जाता है, तो इसे एग्जिट पोल कहते हैं। दोनों में अंतर ये है कि ओपिनियन पोल के अंतर्गत हम किसी भी वर्ग के और किसी भी व्यक्ति को उनके विचारों को पूछते हैं, जबकि एग्जिट पोल के अंतर्गत केवल उन्हीं लोगों से उनका मत लिया जाता है जिन्होंने वोट डाला है, या वोटर से, संक्षेप में कह सकते हैं कि वोटर से उसका मत पूछा जाता है। आइए जानते हैं ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल का इतिहास क्या रहा है। सबसे पहले ओपिनियन पोल। तो जहां तक ओपिनियन पोल का सवाल है, बात है 1936 के अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की। इस चुनाव में जॉर्ज गैलप और क्लॉड रॉबिन्सन इन्होंने चुनाव के पहले मतदाताओं के रुझान को जनता के सामने प्रस्तुत किया, और जब चुनाव परिणाम आए तो उस रुझान से परिणामों में काफी निकटता थी, सटीकता थी। इसलिए जॉर्ज गैलप और क्लॉड रॉबिन्सन को ओपिनियन पोल का जन्मदाता कहा जाता है। यह विधि अत्यंत लोकप्रिय हुई, इसलिए 1937 में फ्रांस और 1938 में इंग्लैंड के आम चुनाव में से अपनाया गया, और फिर यह यूरोप और समस्त दुनिया में फैल गई। अब बात करते हैं एग्जिट पोल की। जहां तक एग्जिट पोल का सवाल है, इसकी शुरुआत होती है 1967 से, हॉलैंड से, 1967 हॉलैंड। हॉलैंड के एक व्यक्ति थे मार्सेल वॉन डैम, मार्सेल वॉन डैम। इन्होंने चुनाव के बाद मतदाताओं के रुझानों को इकट्ठा किया और ये बताया कि किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और कौन इसमें सफल होगा, और ये बड़ा सटीक निकला ये परिणाम। इस प्रकार मार्सेल वॉन डैम को एग्जिट पोल का जन्मदाता कहा जाता है। अब बात कर लें भारत की, तो हमारे देश में एग्जिट पोल का जन्मदाता इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन के, कहाँ लिख दूं मैं, एरिक डी कोस्टा, एरिक डी कोस्टा को कहा जाता है। एरिक डी कोस्टा को भारत में एग्जिट पोल का जन्मदाता कहा जाता है। उन्होंने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से इस परिणाम को फैलाने का प्रयास किया, और 1996 में दूरदर्शन के माध्यम से इसे पहली बार प्रस्तुत किया गया, और 1998 आते आते ये अत्यंत लोकप्रिय हुआ। लेकिन 1999 में चुनाव आयोग ने ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट गया, और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के निर्णय को सही नहीं ठहराया और कहा कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल हो सकते हैं, लेकिन वो चुनाव के हो जाने के बाद होने चाहिए। दरअसल हमारे देश में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 ए के तहत ये कहा गया है कि चुनाव के दौरान कोई भी ऐसी गतिविधि मीडिया के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा नहीं होनी चाहिए जिससे मतदाता का मनोविज्ञान और उसके विचार प्रभावित होते हों और चुनाव परिणाम प्रभावित होता हो। इसलिए एग्जिट पोल चुनाव हो जाने के, सभी फेजेस के चुनाव हो जाने के कुछ समय बाद, उदाहरण के लिए आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद ही सारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपने चैनल्स पर दिखाते हैं। अब सवाल इस बात का है, दोनों में सटीक कौन है, क्या ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल? तो दोनों में एग्जिट पोल को ज्यादा सटीक माना जाता है, क्योंकि एग्जिट पोल के पीछे एक सिद्धांत काम करता है, और वो ये कि
जब मतदाता मतदान केंद्र से वोट देकर बाहर निकल रहा होता है तो उसके झूठ बोलने की या उसके दिमाग परिवर्तित होने की संभावनाएं थोड़ा कम होती हैं, और वो सत्य बोलता है, इसलिए जो फैक्ट इकट्ठे होते हैं वो सत्य के निकट होते हैं, जबकि ओपिनियन पोल चुनाव के पहले होता है। और चुनाव के पहले जो ओपिनियन पोल होता है उसमें मतदाता के विचार मुद्दों के हिसाब से बदल भी सकते हैं। उस समय उसने जो आंसर दिया है और चुनाव के समय जो उसने वोट दिया है उसमें बदलाव हो सकता है, इसलिए एग्जिट पोल को ज्यादा सटीक माना जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं एग्जिट पोल पूरी तरह से सटीक होते हों, इनमें कभी कभी वेरिएशन आते हैं, परिणाम परिवर्तित भी होते हैं, लेकिन फिर भी सटीकता के काफी निकट होते हैं। तो ये थी एग्जिट पोल के संबंध में छोटी सी जानकारी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद।